हेलो दोस्तों, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की ई लेक्चर सीरीज में मैं इलियास अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जो भी शिक्षा दी जा रही है, उसको आप बखूबी निर्वहन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो भी आपको इन वीडियोस के माध्यम से बताया जा रहा है उनको आप नोट्स में ज़रूर मेंटेन करिए, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप नोट्स खोल करके आप बताए हुए निर्देशों को या सब्जेक्ट को आराम से आप रिपीट भी कर सकते हैं। इसमें जो भी पॉइंट्स आपके छूट रहे हैं उनको आप आराम से नोट्स बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नोट्स ज़रूर आप लोग प्रिपेयर करिए। तो कृषि वानिकी में आज कुछ बेसिक टर्म्स में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि टर्म्स की अगर बात करें, परिचर्चा करें, तो आज सबसे पहला शब्द आता है आपका एकड़। यानी कि जब भी आप किसी जमीन अभिलेख या जमीन की नाप करते हैं, उस अभिलेख को नापते हैं, तो आप हेक्टेयर या एकड़ में नापते हैं। तो ये लोकल या क्षेत्र विशेष के आधार पर चलता है। तो एकड़ का जो मतलब होता है वो वर्ग फुट से रिलेटेड है। तो 43,560 वर्ग फुट जो भी आपकी जमीनी भू क्षेत्र होता है, या अगर हम इसकी फीट में बात करें तो 29.9 फीट से 20.9 फीट तक का जो आपका एरिया जाता है वो आपका एकड़ के उसमें आकलन हो जाता है। दूसरा इसका जो बेसिंग टर्म्स है वो आता है एलोवियल, यानी जलोढ़ मृदाएं। तो पानी से बहने के बाद या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो भी बाढ़ का आपका एरिया आ जाता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो भी मटेरियल, जो भी विशेष वस्तु सामग्री आपकी बाढ़ पानी के साथ बह करके एक जगह इकट्ठी हो जाती है, एक जगह एकत्रित हो जाती है, उस सामग्री को या उस मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि इस जलोढ़ मृदा के माध्यम से हमें काफ़ी सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति भी हो जाती है। पोषक तत्व हमें सबसे ज़्यादा मात्राएं मिलते हैं, क्योंकि जब पानी बहता है और मिट्टी को अपने साथ कई प्रकार के अवयवों को, तत्वों को अपने साथ पानी बहा करके ले जाता है, तो ये जाहिर सी बात है वह अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों के पोषक तत्वों को अपने साथ बहा करके ले जा रहा है। और जहाँ पर भी ये एकत्रित होता है, ये संभावित की बात है कि जहाँ पर वो एकत्रित हो रहा है वहाँ या उस एरिए की फर्टाइल या फर्टिलिटी या उर्वरता में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है वो आता है ब्रीस्ट हाइट। ब्रीस्ट हम कहते हैं छत्र को। तो छत्र की जो ऊंचाई होती है, छत्र की जो हाइट होती है, वो लगभग जमीनी लेवल से सामान्यतः 1.35 मीटर की ऊंचाई पर हम इसका आकलन करते हैं। यानी जो आपका सरफेस लैंड है, जो आपका प्लेन अर्थ लैंड है, उस भूमि से, मृदा तल से वृक्ष के ऊपर तक का 1.35 मीटर तक का जो हिस्सा आता है वो आपका ब्रीस्ट हाइट वाले हिस्से में काउंट किया जाता है। यानी जहां से हम छत्र की ऊंचाई को आराम से काउंट कर सकते हैं, यानी उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद एक और आपकी ब्रीस्ट हाइट होती है। जब हम किसी पौधे को, किसी वृक्ष को लगाते हैं तो उसका जो छोटा रूप होता है वो लगभग लगभग पौधे का ही होता है। तो सीने तक की जो उसकी ऊंचाई हो जाती है, जब हमारा पौधा वृद्धि के क्रम में लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है, तो हमारी लंबाई के लंबवत जब वह हमारे सीने तक, हमारे चेस्ट तक के एरिए को पा लेता है या पहुंच जाता है, तो वहां तक की आयु जो उसकी हाइट है उसको हम काउंट करते हैं आपके ब्रीस्ट हाइट के रूप में। इसके बाद जो आपका अगला टर्म है वो आपका आता है कटिंग साइकिल। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हम कृषि वनों को या वन वृक्षों को आमतौर पर 10 वर्ष के बाद ही व्यावसायिक रूप में कटाई करते हैं। यानी अगर आकलन किया जाए तो 10 वर्ष के बाद हमारा पौधा विशेषकर रूप से काटने योग्य हो जाता है, क्योंकि वो अपनी लंबाई, अपना वृद्धि विकास, पोषक तत्वों की मात्रा उसमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती है और हम उसको 10 वर्ष के बाद आराम से काट सकते हैं। तो जो उसका काटने का चक्र है, जो उसका कटिंग साइकिल है, उसको हम 10 वर्ष के बाद से आकलन करना शुरू कर देते हैं।
इसके बाद अगला जो टर्म है वो आपका आता है DBH यानी डायमीटर एट द ब्रिज हाइट। जो आपका हाइट होता है, जो आपका छत्र यानी जो आपकी क्राउन का, जो आपकी फल जो है वृक्ष के ऊपर की जो आपकी छत्र होती है उसकी जो हाइट होती है उसको काउंट किया जाता है, यानी इसको हम हाइट को काउंट करते हैं उसके ब्यास से, ठीक है ना। जब भी हम अगर किसी वृक्ष के तने का, उसकी शाखाओं का अगर हम हाइट को काउंट करेंगे तो हमें उसके ब्यास को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जो हम जमीन से 4.1 मीटर से 4.5 मीटर तक की ऊंचाई तक काउंट करते हैं, यानी कि जो हमारा डायमीटर ब्रिज हाइट होता है, यानी जो बेचने वाला, जो औद्योगिक क्षेत्र में हम अगर किसी वृक्ष की कटाई करते हैं, कटिंग करते हैं, उसको काट देते हैं, उसको अपने यूज में ले लेते हैं और अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा लेते हैं, तो इस पर्पज से जब भी किसी वृक्ष का को काटा जाए या उसकी काटने की क्रिया को संपादित किया जाए तो उसकी हम हाइट को काउंट करेंगे 1.35 से लेकर के 4.5 फीट की हाइट तक। इसके बाद दूसरा टर्म बेसिक आता है वनीकरण यानी एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी कोई खाली भूमि हमें दिख जाए या जहां की भी भूमि बंजर हो, वेस्टलैंड हो, अनुपजाऊ हो, उस पे हम एग्रीकल्चर प्रोसेस के माध्यम से हम जो भी कृषि कार्य करेंगे उसको उपजाऊ बनाएंगे, उसको एग्रीकल्चर के लिए जो है प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, और उस बंजर पड़ी भूमि को, उस वेस्ट लैंड को, उस खराब भूमि को हम कृषि के योग्य बनाते हैं, इस कार्य को हम एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण कहते हैं। और उस जगह पर कृषि फसलों को नाग लेकर के वन वृक्षों को उगाना या वन वृक्षों को लगाना ही आपका क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसके बाद अगला जो इसका बेसिक टर्म है वो आ जाता है उम्र वर्ग यानी हमारा एज क्लास, के फॉरेस्ट में जो ट्रीज की क्लास है, जो एज क्लासिफिकेशन है उसको हम कैसे करेंगे। तो किसी एरिए पर अगर आपने किसी एक जगह पर समान वृक्ष के समान आयु के कई सारे वृक्षों को लगाया तो उनकी वृद्धि विकास का जो क्रम होगा वो लगभग समान ही होगा, यानी उनको समान रूप में उनका वृद्धि विकास होगा, उनको एक जैसा रूप में काटा जाएगा, उन्हें पोषक तत्व तो एक मात्रा में प्राप्त होंगे, यानी उनका जो भी चक्र चल रहा है, जो भी उनका जीवन चक्र चल रहा है वो लगभग आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो एक जैसा ही है। तो इसको हम एज क्लास के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। इसी बीच में अगर कोई नया पौधा लगा दिया जाता है तो लगे हुए पौधों के कंपेरिजन में, उनके कंपेयर क्षमता में जो नया पौधा है उसकी उम्र में काफी मात्रा में कमी या गिरावट आ जाती है, तो यहाँ पर हमारा जो एज का क्लासिफिकेशन है वो कम हो जाता है। यानी अगर हमें उम्र को का क्लास, कोई क्लास को अगर बराबर रखना है, इक्वल रखना है, तो हम समान एक समय पर एक ही जगह पर जो है एक ही जैसे वृक्षों को लगाएंगे, उगाएंगे, जिससे उनकी जो एज का क्लास है वो बराबर रूप में बना रहे। इसके बाद अगला टर्म आता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन यानी कृत्रिम प्रसारण। कृत्रिम प्रसारण की बात करें तो एक उम्र के सभी पौधे या वृक्षों का वह समूह जिसका विकास सीधा बीज से होता है या पौधे के किसी भाग से होता है। कृत्रिम पुनरुत्पादन या नेचुरल रीजनरेशन का जो पोर्शन है वो मैं आपको आगामी आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक को चर्चा करेंगे हम लोग, इस टॉपिक पर बड़े गहन रूप में चर्चा होगी और बड़े डीपली और विस्तार पूर्वक हम इस टॉपिक पर आपसे आगे चल के चर्चा करेंगे। तो आज हम इसको छोटे से शब्दों में संक्षेप में समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि या तो वृक्ष का वृद्धि विकास वृक्ष के किसी भाग से किया जाता है, यानी जैसे कि उसका पत्ती हो गया, उसकी टहनी हो गई, उसका स्टेम हो गया, ठीक है ना, या तो वृक्ष का कोई भाग है या पूर्ण रूप से मूल रूप से किसी बीज के द्वारा ही अगर हम किसी वृक्ष को उगाते हैं, लगाते हैं, उसका वृद्धि विकास करते हैं तो ये हमारा आर्टिफिशियल रीजनरेशन में आ जाता है। इसके बाद अगला टर्म आता है कोपेस। कोपेस दोस्तों किसी वृक्ष या पौधे को जमीन स्तर से काटने के बाद उसकी पुनर्वृद्धि क्षमता को कहते हैं, यानी हम किसी भी वृक्ष की टहनी को काट लेते हैं और काटने के बाद हम उस वृक्ष को दोबारा जमीन में लगाते हैं और फिर वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और उसको जैसे ही पोषक तत्व प्रदान होते हैं, प्राप्त होते हैं जमीन से, और उसी के आधार पर वो जो है अपनी वृद्धि विकास करने लगता है। तो इस प्रकार की पद्धति को हम कोपिस पद्धति कहते हैं। यह ज्यादातर हमारे वन वृक्षों में ज्यादा रूप में अपनाई जाती है। अगर हम देखें तो हम गुलाब में ज्यादातर रूप में कटिंग करते हैं,
तो हम करते क्या है, इसकी किसी सॉफ्ट टहनी को, किसी भी मुलायम शाखा को हम काट लेते हैं और उसका एक एंगल बना करके उसको काटते हैं, और काटने के बाद फिर हम उसको जमीन में लगा देते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाई पड़ता है कि उस एरिए से रूट सकर्स डेवलप हो जाते हैं, जड़ क्षेत्र उसका डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, और विकसित हो जाने के बाद वो जो टहनी हमने लगाई थी वो एक पौधे का रूप ले लेता है। तो इस तरह से जो भी हमारे प्लांट, जो भी हमारी वन वृक्ष, जो भी हमारी वन उत्पत्ति उत्पादित होती है उसको हम कोपिस प्ररो या कोपिस वन या कोपिस वृक्ष के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृक्षों के मुकुट की। तो दोस्तों वो मुकुट अगर देखा जाए तो हमारा जो बालों का एरिया है वो एक प्रकार से हमारा मुकुट है, जो हमें बाहरी रूप से धूप, डस्ट, मिट्टी, मृदा कणों आदि खराब पदार्थों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। यानी हमारे शरीर में जितने प्रकार के प्रक्रम पाए जाते हैं, जो भी बाहरी पदार्थों से हमारी रक्षा करते हैं, वो एक प्रकार से हमारे मुकुट की यानी हमारे हेलमेट की कैटेगरी में आ जाती है। तो इसी प्रकार से अगर हम वृक्षों को कंपेयर करें, वृक्षों को देख के करें, तो प्रकाश, गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा जब तेज चलती है तो तेज हवा में उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हमारे वृक्ष को कैसे उखड़ने से बचाया जाए, उसको खराब होने से कैसे बचाया जाए, इस प्रकार से जो भी ये काम किया जाता है वो एक मुकुट के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद अगला जो इसका बेसिक टर्म है वो है रूट यानी जड़ क्षेत्र। इसका काम क्या होता है, मिट्टी, पानी, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के लिए ये प्रतियोगिता करता है। यानी जमीन से हमारे अंडर द सॉयल जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो भी नमी होती है, जो भी पोषक पदार्थ होते हैं सॉयल के अंदर से जितने पोषक तत्वों को ग्रहण करना होता है वो हमारे रूट का काम होता है। क्योंकि अगर हमारा जड़ क्षेत्र या हमारे पौधे का जड़ क्षेत्र विकसित नहीं होता है तो हम उस पौधे को मरा हुआ मानते हैं। यानी वह बीज हमारा जड़ क्षेत्र उसमें अगर विकसित नहीं होता है तो वह बीज हमारा मरा हुआ माना जाता है, जब तक कि उसमें से जो बडिंग है, जो बड़ है वो ना निकले, जो कल्ले हैं वो ना फूटें। जब तक कल्ले हमारे नहीं फूटते हैं वह पेड़ हमारा, वह बीज हमारा मरा हुआ है। और अगर इसमें से कल्ले जल्दी से जल्दी फूट जाते हैं, बीज हमारा जल्दी डेवलप हो जाता है, रूट जल्दी बन जाती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ ये हमारा बीज उत्तम क्वालिटी के गुणों वाले बीजों में सम्मिलित किया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये मिट्टी में पानी से, पोषक तत्वों से, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया प्रतियोगिता भी करता है। कभी कभी होता क्या है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे द्वारा जो बीज लगाए जाते हैं उनको पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते और वो मर भी जाते हैं। ये अगर आप लोगों को देखना हो तो इस प्रकार के जो आपके क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो गर्मियों के मौसम में आपको ज्यादातर रूप में देखने को मिल सकती है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारा जो वातावरण है वो गर्मीयुक्त होता है, गर्मी वाला वातावरण रहता है। इसके बाद बीज को पानी की कमी रहती है, पानी हम पर्याप्त मात्रा में पौधे में नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से बीज का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है और बीज हमारा सूख जाता है और वह मर भी सकता है और कभी कभी मर भी जाते हैं। इसलिए इस चीज को ये आप लोगों को मानना पड़ेगा कि अगर किसी स्थान पर अगर आप कोई बीज लगा रहे हैं तो एक ही स्थान पर अगर किसी स्थान पर आपने 10 बीज को बोया या 10 बीज लगाए तो जरूरी नहीं है कि उस स्थान पर 10 ही बीज आपके जर्मिनेट करें या उत्पादित करें। इसमें से आपको 40 या 50% या कभी कभी अच्छे अगर मृदा हमारी अच्छी है, मिट्टी हमारी अच्छी गुणवत्ता वाली है तो लगभग 50% से लेके 60% तक ही हमारा जर्मिनेशन संभव हो पाता है। बाकी के जो हमारे बीज होते हैं वो मर जाते हैं और अगर मरते नहीं है तो वह उदासीन क्षमता में चले जाते हैं। और उदासीन क्षमता में जाने का मतलब है कि जब तक उनको अपने हिसाब का क्लाइमेट, अपने वृद्धि विकास के अनुरूप अगर उन्हें वातावरण नहीं मिलेगा तो वो जो है वृद्धि विकास पर्याप्त रूप में नहीं कर पाएंगे और वह जो है उदासीन रूप में चले जाएंगे। इसके बाद इसका अगला जो टर्म आता है वो आता है सिल्वीकल्चर। यानी यह कृषि वानिकी विज्ञान में वह शाखा है जो वन फसलों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट, विकास, डेवलपमेंट, पुनरुत्पादन, रीजनरेशन जो कि मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ, और परिपालन यानी टेंडिंग ऑपरेशन की व्याख्या को व्याप्त करता है या व्यक्त करता है। इस प्रकार की हम क्रिया प्रतिक्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं या ये हमारा वर्णवर्धन में सम्मिलित हो जाता है। भारतीय वन और वन उत्पादन शब्दावली का विज्ञान एवं कला में ही वनवर्धन के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं।
इस प्रकार से विज्ञान एवं कला का संबंध इस प्रकार है, विज्ञान एवं कला वृक्ष विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग और वनवर्धन में वन वृक्ष विज्ञान तथा इसके सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने की कला में सम्मिलित किया जा सकता है। इसी तरह से वन वृक्ष विज्ञान में एकत्रित ज्ञान वन फसलों के उत्पादन और परिपालन में लगाया जाता है। इस प्रकार वनवर्धन का प्रयोग कला पक्ष वन वृक्ष विज्ञान का व्यवहारिक रूप से भी हम प्रयोगात्मक तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं और लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। वह वन फसलों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन, विभिन्न प्रजातियों के कृत्रिम पुनरुत्पादन तथा इस प्रकार प्राप्त नई फसलों को उत्तम गुणों से युक्त लकड़ी के वनों में विकसित करने के लिए अपेक्षित परिपालन विधियों की व्याख्या भी ये करता है। दोस्तों, अगर संभावित रूप में देखा जाए तो हमें लगभग लगभग वन उपजों से केवल तीन चीजों की प्राप्ति होती है। सबसे पहला आपका फूड, दूसरा फॉडर और तीसरा फ्यूल। यानी अगर हम इसको परिभाषित करें तो 3F, 3F की प्राप्ति हमें वन वृक्षों से होती है। पहले F का मतलब होता है फूड, यानी भोजन, जो कि हमारे पशुओं के लिए कारगर होता है, पशुओं के काम में आता है, जो कि हरे चारे में हम इसका उपयोग पशुओं के भोजन के लिए कर सकते हैं या करते हैं। इसके बाद फॉडर, जो चारा है, वो भी हमारे पशुओं के खिलाने के लिए, पशुओं के भोजन के लिए उपयुक्त होता है। इससे पशुओं को तरह तरह के प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स आदि पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इसके बाद तीसरा जो है वो इसका मेन यूटिलाइजेशन है फ्यूल में, यानी ईंधन के रूप में। इससे हमें जलाऊ लकड़ियों की प्राप्ति होती है। अब अगर इसके उपयोग की चर्चा करें तो हम सबसे पहले उपयोग में इसको लाएंगे फर्नीचर इंडस्ट्री में। यानी जो हमारा फर्नीचर उत्पादन है, फर्नीचर उद्योग है, ये बेसिकली हमें जो है लकड़ियों से ही प्राप्त होता है, जिसके लिए वन उपज हमारे लिए बहुत आवश्यक होता जा रहा है। और लोग आजकल व्यक्ति क्या करता है, अपने हितों को देखते हुए वन उपजों को निरंतर काटता चला जाता है। और अगर काट रहे हैं तो हमें एक वृक्ष के बदले में कम से कम 10 वृक्षों को लगाने का दायित्व भी अपनाना है। इस प्रकार से काटने के प्रक्रम में हम अगर ये अपने आप में ठान लें, मान लें और इस प्रक्रिया को अपना लें तो हमें इस तरीके का की परेशानी कभी भी हमारे वातावरण में हमें महसूस नहीं होगी। दोस्तों, वृक्षों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिए, पल्प इंडस्ट्री में, पेपर मेकिंग में, फ्यूल में, गम्स में, रेजिन में, इन सारे उत्पादों की प्राप्ति हमें जो है फॉरेस्ट प्रोजेनी यानी फॉरेस्ट संतानों से ही उत्पन्न होती है। सबसे बड़ा इसका उद्योग अगर कहा जाए, देखा जाए तो सबसे बड़ा उद्योग इसका इंडस्ट्रियल रूप में सबसे बड़ा उद्योग इसका फर्नीचर इंडस्ट्री है। यानी हमारा फर्नीचर उद्योग में हम इसको सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। कभी कभी कुछ एरियों में जहां पर भूकंप, सैलाब वगैरह जैसी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वहां पर लोग बाग क्या करते हैं, लकड़ियों के ही मकान बनाते हैं। क्योंकि कंक्रीट अगर हम मटेरियल यूज करेंगे तो वहां वो मकान हमें कॉस्टली पड़ जाएगा। इसीलिए उन मकानों को सुरक्षित रख प्रदान सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें लकड़ियों का बनाया जाता है, जिससे कि भूकंप, प्राकृतिक ऐसी आपदाएं अगर हमारे साथ में सामने आती हैं तो अगर हमारे मकान, अगर हमारा रहने का स्थान, घर अगर टूटता भी है तो हम उसको आराम से, तसल्ली के साथ फिर से दोबारा बना सकते हैं और हमें कम खर्च में ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। यानी हमारा जो घर है वो कम से कम खर्च में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में बन जाता है। तो लकड़ी का अगर उपयोग देखा जाए तो बहुत ही आवश्यक है और हर एक क्षेत्र में लकड़ी का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा रूप में किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को देखने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। इसके बाद अगले टॉपिक पर अगले समय अगली वीडियो में आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद।